फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं इसराइल और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नेचर लवर इसराइल। तो फ्रेंड्स, वीडियो एंड तक देखिए, वीडियो को टोटल ही स्किप मत कीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके। और फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूँ डहलिया प्लांट का देखभाल कैसे करें और उस पर ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी पे फ्लावर्स लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, और प्लांट्स पे अगर इंसेक्ट अटैक हो रहा है तो उसको दूर करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट करें, और डहलिया प्लांट के लिए कौन सा गमला सही होता है, और इस प्लांट के लिए हम किस टाइप का सॉइल मिक्सर बनाएं, एक प्लांट से हम ज़्यादा प्लांट कैसे तैयार करें फ्री में, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर बने रहिए, वीडियो बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए। तो फ्रेंड्स, देखिए मेरे डहलिया के प्लांट हैं और देख सकते हैं प्लांट कितना बूसी है और हेल्दी भी है। तो प्लांट को बूसी बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा आगे। तो फ्रेंड्स, जब आप नर्सरी से डहलिया के सैपलिंग्स लेकर आते हैं तो उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट बड़े गमले पे लगा देते हैं। तो आपको ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटा सा सैपलिंग होता है, उसके रूट्स भी ज़्यादा डेवलप नहीं हुए होते हैं। तो उस टाइम अगर आप बड़े गमले पे उसको लगा देंगे तो क्या होगा ना, बड़े गमले पे मॉइस्चर बना रहेगा और हमारा प्लांट्स ख़राब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, डहलिया प्लांट के सैपलिंग को आप नर्सरी से लाने के बाद आप उसे पहले छोटा गमला ही प्रोवाइड करें, जैसे कि हमारा ट्रांसपेरेंट जो ग्लास आते हैं उस पर लगा सकते हैं, जो 3 इंच के पॉलीबैग्स आते हैं उस पर भी आप लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 10 से 15 दिन के बाद आप फिर क्या कर सकते हैं, उसे उस ट्रांसपेरेंट ग्लास से निकाल कर आप उसे फिर 5 से 6 इंच के गमले पर आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं। तो उसके बाद क्या करना है, पौधे के ग्रोथ के लिए आप वीक में एक बार 2 से 3 दाने आप एक एक गमले पे आप डीएपी दे सकते हैं। डीएपी देने से क्या होता है ना, प्लांट्स बहुत ही उसका रूट्स मजबूत होता है और प्लांट का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा होता है। फ्रेंड्स, उसके बाद अगर आपको दिखे कि प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा हो गया है, प्लांट्स थोड़ा बड़ा होने लगा है, तो उसको आप निकाल कर आप उसको 10 से 12 इंच के गमले पर आप शिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि डहलिया प्लांट के लिए 10 से 12 इंच का गमला बेस्ट होता है। उससे छोटे गमले पे अगर आप लगाएंगे तो प्लांट्स का ग्रोथ ज़्यादा नहीं होगा और फ्लावरिंग भी ज़्यादा क्वांटिटी पे नहीं करेगा, क्योंकि डहलिया प्लांट को थोड़ा बड़ा गमला चाहिए, आप उसे 10 से 12 इंच के गमले पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके सॉइल मीडिया के ऊपर बात करें तो इसको वेल्डन मिट्टी बहुत ही पसंद है। तो इसे बनाने के लिए हमें लेना चाहिए 60% गार्डन सॉइल और उस पर 20% सैंड ऐड करना है, जो रेत होता है कंस्ट्रक्शन में जो काम आता है, और 20% हमें कोई सा भी कंपोस्ट ऐड करना है, जैसे कि हमारा काउडंग हुआ, गोबर की खाद जो फुल्ली कंपोस्ट हुआ होगा, बहुत ही पुराना खाद आप यूज कर सकते हैं, और हमें भर्मी कंपोस्ट भी इस पर यूज कर सकते हैं। तो 60% गार्डन सॉइल, 20% सैंड और 20% कंपोस्ट, और थोड़ा सा इस पे नीम खली जो इंसेक्टिसाइड और फंजीसाइड दोनों का ही काम करता है, कीड़ों को दूर करता है मिट्टी से, और हमें इस पे थोड़ा फंजीसाइड भी हम ऐड कर सकते हैं, और थोड़ा सा बोन मील और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट। अगर आपके पास एप्सम सॉल्ट नहीं है वो आप स्किप कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप इसके सॉइल मीडिया बनाएंगे तो प्लांट का ग्रोथ बहुत ही अच्छा रहेगा और गमले में थोड़ा भी पानी नहीं रुकेगा, ऊपर नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, प्लांट को बूसी बनाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, प्लांट पे पिंचिंग कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने भी पिंचिंग किया है और देख सकते हैं कितने सारे ब्रांच डेवलप हुए हैं। तो अगर ज़्यादातर प्लांट पे ब्रांच रहेंगे तो फ्लावर भी ज़्यादा क्वांटिटी पे खिलेंगे और बर्ड्स भी ज़्यादा आएंगे। तो देख सकते हैं, मैंने जो पिंचिंग किया था उसी को मैंने लगा दिया है। तो डहलिया प्लांट के कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट फ्री में अपने गार्डन पे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डहलिया प्लांट को आप ऐसे जगह लगाएं जहाँ पे इसे 4 से 5 घंटे की धूप इसे अच्छे से मिले। अगर आप इसे सैडेड प्लेस पे लगाते हैं, छाँव पे, इसे अगर इनडायरेक्ट धूप मिलता है, डायरेक्ट धूप नहीं मिलता है, तो क्या होता है ना, प्लांट्स का ग्रोथ भी नहीं अच्छा होता है और फ्लावरिंग भी ज़्यादा अच्छे से नहीं करता है। तो अगर आप डहलिया प्लांट लगाते हैं जहाँ पे 4 से 5 घंटे की धूप आती है, तो आप वहीं पर इसे लगाएँ। और हाँ, प्लांट पे अगर सारे फ्लावर्स खिल जाएं तो उसे क्या करना है, उसे डायरेक्ट सनलाइट पे बिल्कुल ही नहीं रखना है। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट पे रखेंगे तो क्या होगा ना, फ्लावर बहुत ही जल्दी स्पेंट हो जाएगा। तो इसलिए फ्लावरिंग जब हो जाते हैं तो उसे आप इनडायरेक्ट सनलाइट जहाँ आते हैं उस जगह पर आप इसको शिफ्ट कर दें। और फ्रेंड, 40 से 45 दिन के बाद आप इसे फर्टिलाइज कर सकते हैं। आप लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं और ड्राई फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं।
तो लिक्विड फर्टिलाइजर के ऊपर बात करें तो आप मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर दे सकते हैं। मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर देने से क्या होता है ना, प्लांट्स का ग्रोथ बहुत अच्छा रहता है और फ्लावरिंग भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्वांटिटी पे करता है, और जितने भी प्लांट्स पे बीमारियाँ होती हैं उसको वो दूर करता है। क्योंकि मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर में क्या होता है ना, उस पर रिच प्रोटीन होता है और उससे प्लांट्स को बहुत सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी मिलता है। तो आप अगर मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइजर बनाना नहीं जानते हैं, मेरे चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप वहाँ देख सकते हैं। और ड्राई फर्टिलाइजर के ऊपर बात करें तो आप इसकी मिट्टी को थोड़ा गुड़ाई करके क्या करना है ना, जो हमारा काव डंग होता है, गोबर की खाद, उसको आप एक मुट्ठी इसके चारों ओर डाल के आपको मिट्टी से कवर कर लेना है, क्योंकि इससे भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। गोबर की खाद पे नाइट्रोजन, पोटास, फास्फोरस, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो आप गोबर की खाद भी आप इसे दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्टिलाइज करने के बाद 20 से 25 दिन गैप के बाद आप इसे फिर लिक्विड फर्टिलाइजर या ड्राई फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं। जैसे कि हमारा बनाना पे लिक्विड फर्टिलाइजर, आप केले के छिलके को क्या करना है, 1 लीटर पानी पे इसको डालकर 4 से 5 दिन रख देना है। तो रखने के बाद क्या करना है, उसको फिर छान कर उसको 20 से 25 लीटर पानी पे उसको मिक्स करके आप प्लांट्स पे दे सकते हैं। और फ्रेंड्स, बनाना पील फर्टिलाइजर में रिच पोटेशियम और मैग्नीशियम होता है, जिससे क्या होता है ना, प्लांट्स का स्टेम स्ट्रांग बनता है, मजबूत बनता है और रूट्स का ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से होता है। और फ्रेंड, अगर आपके प्लांट्स पे इंसेक्ट अटैक होता है, जैसे कि लीव्स का कर्ल होना, तो ये सब को दूर करने के लिए आप कोई सा भी इंसेक्टिसाइड आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि हमारा केमिकल हुआ, ऑर्गेनिक हुआ। तो केमिकल अगर आप यूज करना चाहते हैं तो आप रोगर का इस्तेमाल कर सकते हैं, रोगर का बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, हल्दी को पानी पर मिक्स करके उसका स्प्रे कर सकते हैं या नीम ऑयल का आप स्प्रे कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीक में एक बार इसके ऊपर आप फंजीसाइड का भी स्प्रे कर सकते हैं। फंजीसाइड का स्प्रे करने से क्या होता है ना, अगर थोड़ा लीव्स कर्ल होता है उसको भी दूर करता है और प्लांट्स पे फंगस लगता नहीं है। अगर आपके वहाँ पे सांप का फंजीसाइड आपको मिल जाए, अवेलेबल रहे, तो आप वो ले सकते हैं, या बेबी स्टेन्स कोई सा भी आप लाके आप अपने प्लांट पे स्प्रे कर सकते हैं वीक में एक बार। और फ्रेंड्स, जब इसका सीजन ख़त्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको गमले से निकाल के फेंक देते हैं। तो इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको नीचे से सिर्फ कट कर देना है। नीचे कट करके आप ऐसे ही गमले को रख दें, नेक्स्ट ईयर क्या होता है ना, नीचे जो बल्ब होते हैं उससे फिर प्लांट्स मतलब न्यू ग्रोथ स्टार्ट होता है, स्प्राउट होने लगते हैं। तो उससे भी हम बहुत सारे प्लांट्स फ्री में हम घर पे बना सकते हैं कटिंग्स लेकर। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को एक लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए वीडियो के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।